नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम फिश स्टार्टर एक देखेंगे, फिश स्टार्टर की रेसिपी देखेंगे जिसका नाम है फिश कबाब। जी फ्रेंड्स, आपने फिश फ्राई खाया होगा स्टार्टर में, फिश फिंगर्स खूब पसंद किए जाते हैं, लेकिन आज हम फिश कबाब देखेंगे जो कि काफ़ी अलग तरीके से बनते हैं और जिसका टेक्सचर अलग होता है और जिसका स्वाद भी बहुत अलग होता है फिश फ्राई और फिश फिंगर्स से। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के जल्दी से एक फिश स्टार्टर जो है वो बनाना शुरू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, मछली के कबाब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगी आधा किलो मछली। ये मैंने सिंघाड़ा मछली ली है फ्रेंड्स, कबाब और कोफ्तों के लिए, मछली के कबाब और कोफ्तों के लिए। प्रेफरेबली अगर आप सिंघाड़ा नाम की जो मछली आती है वो लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसमें कांटे बिल्कुल नहीं होते, सिर्फ बड़े कांटे होते हैं जो बहुत आसानी से निकल जाते हैं। तो हमने आधा किलो सिंघाड़ा मछली ली है। अब हम इसको बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए हमने कंटेनर पानी गर्म करने को रख दिया है, पानी गर्म हो रहा है। अब हम इसमें अपने मछली के पीसेस डाल के घड़ी देख के सिर्फ 5 मिनट, ध्यान रखिए फ्रेंड, सिर्फ 5 मिनट ही इस मछली को हमें बॉईल करना है। उसके बाद इसको पानी अलग करके ठंडा होने के लिए रख देना है। उसके बाद हम इसको मैश करेंगे। तो अभी बॉईल कर लीजिए आप इसको घड़ी देख के, सिर्फ 5 मिनट। तो हमने हमारी मछली को बॉईल करके इसको मैश करके रेडी कर लिया है। अब हम इसको एक पैन में थोड़ा सा घी लेके इसको तब तक रोस्ट करेंगे जब तक कि इसका जो सारा मॉइस्चर है वो इवेपोरेट ना हो जाए। हमने एक पैन में लगभग 2 टीस्पून घी ले लिया है फ्रेंड्स। अब ये घी गर्म हो गया है तो हम इसमें अपना जो बॉइल्ड फिश है उसको डाल देते हैं और इसको लगातार चलाते हुए तब तक हमें इसको पकाना है जब तक इसका सारा मॉइस्चर जो है वो ख़त्म ना हो जाए। बेसिकली इसको हमें ड्राई करना है फिश को, ताकि इसके कबाब अच्छे से बन पाए। तब हम इसको लगातार चलाते हुए एक मीडियम आंच पर पकाएंगे। दस मिनट मीडियम आंच पे पकाने के बाद जो हमारा फिश का जो सारा मॉइस्चर था वो अब इवेपोरेट हो चुका है अच्छे से। आप देख सकते हैं पहले के मुकाबले कितनी ड्राई लग रही है ये। तो अब टाइम आ गया हम इसमें स्पाइसेस मिक्स कर दें। तो सबसे पहले हम इसमें मिक्स करेंगे 1 चम्मच, 1 टीस्पून लाल मिर्च। साथ में हम इसमें मिक्स करेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर। सॉल्ट आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए आप इसमें, मैं इसमें 1 चम्मच ही डाल रही हूँ। उसके साथ आप इसमें डालिए 1/2 टीस्पून गरम मसाला। उसके बाद आप इसमें डालिए 1 अंडा, क्योंकि ये 1/2 किलो फिश हमने ली थी तो मैं इसमें 1 ही अंडा डाल रही हूँ। अंडा ज़रूर डालिएगा फ्रेंड्स, उससे क्या होगा कि जो हमारी फिश है उसके कबाब बनने में आसानी होगी, वो बाइंडिंग प्रोसेस में आसानी हो जाएगी। और सबसे लास्ट में हम डालेंगे इसमें 1 नींबू स्क्वीज करके। तो ये नींबू का रस मैंने डाल दिया है इसमें स्क्वीज करके। और फिर फाइनल जो स्टेप है वो ये है कि हमें इसको अच्छे से मिक्स करके रेडी कर लेना है बैटर कबाब बनाने के लिए। तो आप इसको अच्छे से मिक्स करके पहले रेडी कर लीजिए। जो हमारा मिक्सचर है उसको कबाब का, उसको हमने अच्छे से मसाला मिक्स कर लिया है उसमें फ्रेंड्स अच्छे से। अब हम इसके जो कबाब है वो बनाएंगे। सबसे पहले हमने हाथों में चिकनाई लगा ली, उसके बाद इसका जो बैटर लिया और उसके ऐसे छोटे बॉल्स बना लिए। आपको जिस साइज़ का कबाब बनाना है उस साइज़ का बना लिए। तो ऐसे सबसे पहले हमने बॉल बना ली इसकी और उसके बाद इसको बॉल बना के फ्लैट करना है। हमने हमारे मछली का बना के रेडी रेडी कर लिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। अगला स्टेप ये है कि हमें इसको फ्राई करना है। तो उससे पहले हम इसको जो ये हमने चावल का आटा लिया है, आप चाहें तो इस ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हैं, इसमें हमें इसको कोटिंग करके कबाब की फिर उसको फ्राई करना है। तो सबसे पहले हम इनकी कोटिंग कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कबाब लिया और आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मल जो कोटिंग करते हैं एक दो बार अच्छे से कोट कर लेना है कबाब को इसमें, चावल के आटे में या ब्रेड क्रम जो आपके पास हो। उसके बाद गरम तेल में हमें इसको फ्राई करना है। ये देखिए
ब्राउन होने तक आप इसको फ्राई करेंगे। मैंने जो आँच है वो मीडियम ही रखी है, मीडियम आँच पे आपको इसको फ्राई करके रेडी कर लेना है फ्रेंड्स। लीजिए फ्रेंड्स, हमारे फ़िश बनके तैयार हैं, आप इसको एंजॉय कीजिए। आप चाहें तो इस पे चाट मसाला भी डाल सकते हैं, मैं इसको पर्सनली ऐसे ही एंजॉय करती हूँ, पर आप चाहें तो इस पे चाट मसाला डाल के भी इसको पसंद कर सकते हैं खाना। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपना वीडियो फिनिश करती हूँ आज का। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्कार।